हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आइए फिर से सार संग्रह हम देखते हैं। मार्च 1999 का हम देखेंगे सार संग्रह। आइए इसमें देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जानकारी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलमगीर टीला जो 1958 ईस्वी में पता लगा कहाँ स्थित है। आलमगीर टीला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? मेरठ में स्थित है आलमगीर टीला। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख उद्योग क्या था? ऋग्वेद का वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट, तोलबक प्रियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की। तोलबक प्रियम संगम युग की महान कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो हरिश्चंद। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिश्चंद था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को साहेब ए खबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। नेक्स्ट, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया? जिसके बाद वे मुगल शाह के निजामुल मुल्क आसफजा की उपाधि प्रदान की? तो चिनकलीज खान। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। और रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से हम देखेंगे 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कानपुर में। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया। नेक्स्ट, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध को डलहौजी राज्य में मिलाने के लिए अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा एवं मेन सिंह। नेक्स्ट, कुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने किया। नेक्स्ट, 1840 के लगभग किसने कुका आंदोलन प्रारंभ किया? तो गुरु राम सिंह ने किया। नेक्स्ट, बायोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो केरल में। बायोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। नेक्स्ट, तो भागा आंदोलन कहाँ स्थित है? तो भागा आंदोलन बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स ने। मेरठ षड्यंत्र किसके विरुद्ध था? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनय किसके द्वारा? संयुक्त संसदीय समिति के मनोनय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश करने का अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या 18 है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? तो उद्देशिका में भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का तात्पर्य भारत में राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस सूची के अंतर्गत किया गया है? तो पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 370 में किसका प्रावधान है? 370 में जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा देने का प्रावधान है।
भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। भारत पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी पश्चिमी, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? बिहार के मुंगेर में सोना के नवीन भंडार का पता चला है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में है, बरौनी तेल शोधक बिहार में है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा, कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित की जाती है? 49वीं समानांतर रेखा से डिनोट की जाती है। दो स्थानों के देशांतर में एक डिग्री अंतर होने पर, दो स्थलों के देशांतर में एक डिग्री अंतर होने पर, एक डिग्री अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, मेसेटा पठार फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, पनामा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में लाइसेंस की आवश्यकता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो 8 है, अर्थ 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र, ये भी करेंट है, चलिए इसके बाद देखेंगे। नफेड, NAFED, नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए, कृषि उपज नफेड की स्थापना कृषि उपज के विपणन के लिए की गई है। पीली क्रांति का संबंध है, तो तिलहन से है। देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी रिफाइनरियाँ काम कर रही है? तो 13। देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की 13 रिफाइनरियाँ काम कर रही है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य उपक्रम के रूप में ओमान में यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाली योजना के अंतर्गत भारत की किस कंपनी ने समझौता किया? तो कृषक भारतीय कोऑपरेटिव कंपनी ने समझौता किया। चलिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए कारावास की अवधि कितनी कर दी गई है? तो 10 वर्ष कर दी गई। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों की कारावास की अवधि 10 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज रूल एक्ट के स्थान पर किस अधिनियम को लगाया गया? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लगाया गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लगाया गया है। सामान्य विज्ञान हम देखते हैं, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की चाल बढ़ जाती है। मनुष्य की सभ्यता की सीमा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हरा कोशिश का रासायनिक सूत्र होता है Fe SO4 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। नेक्स्ट, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरन। नेक्स्ट, भारी जल का क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। खेलकूद से क्वेश्चन आएंगे, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। वर्ष, नेक्स्ट, गैम्बिट शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? शतरंज के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आरती शाह किस खेल से संबंधित है? तो आरती शाह तैराकी से संबंधित है। ब्रेन लारा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ब्रेन लारा। नेक्स्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की 90 मिनट होती है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। कर्णम महेश्वरी का नाम भारोत्तोलन से है। श्रीलंका के किस विश्व प्रसिद्ध धाविका पर मादक पदार्थों के सेवन का आरोप लगाया गया है? तो सुशांतित जयसिंह है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल अकादमी खेलकूद संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विविध से राष्ट्रकवि मैथिली शरण की किस रचना में लिखा है कि आबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। तो यशोधरा में लिखा हुआ है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण की रचना है, यशोधरा में लिखा हुआ है आबला जीवन। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सा नगर पोप का शहर है, तो रोम। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में है। तमिलनाडु का नगर मदुरई किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो मीनाक्षी मंदिर के लिए है। नवा सेवा क्या है, तो भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है नवा सेवा। प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध नगर बोरोबुदुर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। भारत के प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था, तो इंदिरा। प्रथम भारतीय जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचा, तो फू दोरजी। आनंद वन की स्थापना किसने की, तो बाबा आमटे ने। अरुबिले आश्रम कहाँ स्थित है, पांडुचेरी में है। जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, वह राष्ट्रपति कौन थे जिनकी हत्या अन्य से पहले हुई है, तो अब्राहम लिंकन की अन्य से पहले हुई है। यूरोप के किन दो देशों में 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा है, इंग्लैंड और फ्रांस में। 100 सप्तवर्षीय युद्ध के नाम इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी किस देश से संबंधित थी, तो रूस से संबंधित थे। उसका मिखाइल गोबार्चो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। प्रथम सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे, तो जोसेफ स्टालिन थे। इतिहास प्रसिद्ध रक्तहीन क्रांति तथा अथवा गौरव क्रांति किस देश की है, तो ब्रिटेन की। इतिहास प्रसिद्ध रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति किस देश की है, तो ब्रिटेन की है। इंडिया दिस इज विद इन पुस्तक लेखक एम जे अकबर। सत्यार्थ प्रकाश के स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। गुड फ्राइडे किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे क्रूफिकेशन ऑफ क्राइस्ट और गुड फ्राइडे क्रूफिकेशन ऑफ साइड और ईस्टर रेजुरेशन। उसके बाद जार्विक सेवन क्या है, तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1997-98 हो गया, अज्ञात के आरोप में एडमिरल विष्णु भागवत को किस पद से बर्खास्त किया गया, तो नौसेना पद से अवज्ञा। चलिए इसके बाद लक्षद्वीप से वर्तमान कांग्रेस सांसद हैं, ये भी करंट है। चलिए राष्ट्रीय खेल घोषित की जाने वाली 13वीं झील रुद्र सागर झील कहाँ है, तो पश्चिम त्रिपुरा में है। इनसाइड सीबीआई पुस्तक के लेखक जोगिंदर सिंह, यानी सीबीआई के पूर्व निदेशक। इनसाइड सीबीआई पुस्तक के लेखक हैं जोगिंदर सिंह सीबीआई के पूर्व निदेशक भी हैं। चलिए इसके बाद हम सार संग्रह देखेंगे अप्रैल 1990 का, भारतीय इतिहास और संस्कृति इसमें पहले देखेंगे। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, तो चार्ल्स नेपियर। सिंध का विजय किस ब्रिटिश अधिकारी ने कर लिया, यानी चार्ल्स नेपियर, उनको यह श्रेय जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार को क्या कहते हैं, तो बलि। पुराने यानी वैदिक राजाओं ने अपनी प्रजा से जो उपहार यानी जो कर लेते थे उसे बलि कहते हैं। संगम युग का ग्रंथ
संगम युग का ग्रंथ मणिमेकेले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म के संगम युग का ग्रंथ मणिमेकेले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। कर्जन के शासनकाल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? कर्जन के शासनकाल में अकाल आयोग सर एंटनी मैकडोनाल्ड था। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यवदान। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के प्रति परित्याग कर दिया? दिव्यावदान से। चालीसा अमीरों का समूह चालीसा कहा जाता था का जड़ मूल से कितने विनाश किया? तो बलबन ने चालीसा को जड़ मूल किसने विनाश कर दिया? तो बलबन ने किया। नेक्स्ट, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कवि तबकाते अकबरी की रचना किसने थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से हम देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजराइली ने दी थी? यानी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा हाउस ऑफ कॉमन में डिजराइली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कार भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कार भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत की। महाराष्ट्र का वह कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 1920 में मुंबई में हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला राजपत राय। ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता लाला राजपत राय। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? किसान संगठन 1936 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार पर हमले किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में किया गया? तो सूर्य सेन। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया अंग्रेजों के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो फैजपुर में 1936 यानी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में समाप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में 1936 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? फैजपुर में 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री। शासनाध्यक्ष का संबोधन प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग तीन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व 1909 ईस्वी के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 यानी 47 और 50 के बीच मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान? मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से
कोई विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था संविधान में की गई है? नहीं, मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को घटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व के भूगोल से हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा सा बात कर लें। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से संबंधित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना। महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किन नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, जवाहर, राणा प्रताप और गांधी, तीनों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। विश्व वर्ल्ड का पूछ रहा है, विज्ञान तो जिनेवा में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, लिटिल वेनिस, तो वेनेजुएला के नाम से, लिटिल वेनिस को वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है, लिटिल वेनिस। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो म्यांमार। लाई जनजाति के निवास क्षेत्र कौन है? तो म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला मानसून नाम भारत के किस राज्य में स्थित? तो मेघालय में है। इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य से शामिल किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी निर्धनता। तो निर्धनता किससे संबंधित है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से है। नौवीं योजना में विकास दर संशोधन लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो नौवीं योजना में 6.5 प्रतिशत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक, 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किससे है? तो नगरीय क्षेत्र से है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग, सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग रोजगार देता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित करती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो जेबी से। पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित करती है, जेबी से के द्वारा बोला गया था। पूंजी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध बॉन्ड प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों को खरीद लेना कहलाता है, तो वित्तीय निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकृत किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकृत किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इसके बाद हम सामान्य विज्ञान देखेंगे। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो प्लेजोमोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लेजोमोडियम। ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है या संबंधित है? तो आँख से संबंधित। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेवार है। सर्वाधिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है ओ ग्रुप वालों को। एपिलेप्सी रोग संबंधित है? तो नाड़ी संस्थान से है। ए बी रक्तचाप वाला व्यक्ति किस रक्तचाप के समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी रक्तचाप वाला व्यक्ति ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है तथा ओ से भी ले सकता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 1μF - 1μF के दो संधारित्रों से 1/2 1/2 1/2 mu f धारिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 1μF - 1μF के दो संधारित्र हाफ μF इसे श्रेणी क्रम, समानांतर नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़कर। इसके बाद हम देखेंगे 1 ओम के दो प्रतिरोध को हाफ ओम का प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इन्हें समानांतर क्रम जोड़कर। श्रेणी क्रम में म्यू वाला कहते हैं
एक म्यू माइनस वन एक वन म्यू माइनस वन म्यू इज इक्वल टू हाफ म्यू। इसे श्रेणी क्रम में और वन ओम माइनस वन ओम के दो प्रतिरोध को हाफ एम बनाया जाता है, इसे समानांतर क्रम में जोड़ा, ऊपर वाला समानांतर, ओम वाला समानांतर और म्यू वाला श्रेणी क्रम। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जनरल के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम खेल खुद से देखेंगे। ह्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, सॉरी ड्यूरंड कप है, ड्यूरंड हॉ जैसा दिखता है, ड्यूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में। कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी इंग्लैंड, कुत्तों की दौड़ व्हाइट सिटी। चाइना मैन संबंध का खेल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। वाटर पोलो में 7 होती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर 20.12 यानी 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। नेक्स्ट, प्रकाश पादुकोण ने किस खेल से प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो बैडमिंटन से, प्रकाश पादुकोण ने बैडमिंटन से। नेक्स्ट, अरविंद डी सिल्वा किस खेल के खिलाड़ी, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। पेट कैश नाम किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। निबलिक शब्द का प्रयोग गोल्फ से लिया जाता है, निबलिक शब्द का प्रयोग गोल्फ से लिया जाता है। इसके बाद हम विविध देखेंगे। आदर्श सेन आनंद की नियुक्ति, सॉरी ये इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि करेंट क्वेश्चन है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई तो शीला दीक्षित है। संस्था CRY क्राई का पूरा नाम होता है चिल्ड्रेन रिसोर्सेज एंड यू, चिल्ड्रेन क्राई का चिल्ड्रेन रिसोर्सेज एंड यू। उसके बाद आर चिदंबरम किसके चेयरमैन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के, ये भी करंट के क्वेश्चन है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के महानिदेशक, विविध में दे दिया है टोटल, यहाँ से देखेंगे हम। महाराष्ट्र सरकार ने सुनील गावस्कर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो महाराष्ट्र भूषण से। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 13 में दिया गया। कब दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 13 में दिया गया, और किसकी किस कृति के लिए? तो गीतांजलि के लिए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या मानी जाती है? तो प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा मानी जाती है। टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों का वितरण होता है? तो इन्फ्रारेड औरक्त किरण यानी रिमोट कंट्रोल में इन्फ्रारेड होता है। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी जापान द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है। हाल ही में चर्चित रही होनोलुलु तकनीकी के संबंध किस खेल से है? तो क्लोनिंग से है। कैलोमल क्या है? कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड है। ड्यूमा क्या है रूस की संसद का निचला सदन। स्फिग्मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इसके बाद मापला भूस्खलन में भरी गई प्रतिमा बेदी किस नृत्य की सुप्रसिद्ध नृत्यंगना थी? मापला भूस्खलन में मारी गई, और मापला ओडिसी नृत्य की थी उसमें मारी गई प्रतिमा बेदी ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। एज आई से इट पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश भंडारी ने लिखी थी। ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। एज आई से इट, चलिए उसके बाद। जाने माने संगीताचार्य एवं ध्रुपद गायकी के विशेषज्ञ पंडित सीताराम तिवारी को मध्य प्रदेश सरकार ने 1998 में किस सम्मान से अलंकृत किया? तो तानसिंह सम्मान से अलंकृत किया। प्रथम, इसके बाद इशारे करेंट है, चलिए। विदेशी मुद्रा में धन जुटाने के लिए रिसर्जेंट इंडिया बोर्ड यानी RBI किस बैंक ने जारी किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया। उसके बाद समसामयिकी आ गया है, तो इसको हम छोड़ेंगे। चलिए कृषि विज्ञान हम देख लेंगे।
दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है, तो आयरन और कॉपर की। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है और कॉपर की भी कमी होती है, आयरन और कॉपर की कमी होती है। सेलिंग परसेंटेज मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, पैरामीटर है। क्या सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली के दानों का प्रतिशत। सेलिंग प्रतिशत से मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जौ। विश्व का सबसे जौ है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड नाम से जाना जाता है? तो सानेन को जाना जाता है। सानेन नाम की एक बकरी है, उसको मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस प्रांत में होता है? तो यूपी में होता है। इसके बाद हम देखेंगे हस्तचलित चारा काटने की मशीन यानी काफ कटर प्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे से बना होता है? तो ढालवा लोहे से बना होता है यानी बूंदा होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। 100 ग्राम दूध से 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कपास की पहली संकर किस्म का विकास किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ। भारतवर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कुल कितना हिस्सा कृषि द्वारा प्राप्त होता है? तो 27.4% GDP का 27.4। हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनाज की उपलब्धता कितनी है? तो 528.77% 528.77 ग्राम है। चलिए इसके बाद हम दूसरे फिर सार संग्रह में चलते हैं जो कि जुलाई 1990 का है। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति देखेंगे। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ का क्या को क्या कहते हैं? सामवेद के को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को उद्गाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनानियों के लिए आया। किस यज्ञ का वैदिक नरेशों को राजाभिषेक से संबंध था? तो रायसु जग का। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञावल स्मृति टीका किसने लिखी है? तो ज्ञानेश्वर ने लिखी है। याज्ञावल स्मृति टीका किसने लिखी है? तो ज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी? तो शाह आलम द्वितीय ने दी। बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ भेजा था? तो रंगून भेज दिया था। रुहेलखंड के किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो अजी मुल्ला ने दी थी। रुहेलखंड के किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो अजी मुल्ला ने दी थी। नाना साहब ने अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? तो कानपुर में किया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो बेलूर में की थी। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेवली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया। तेनागा आंदोलन का संगठन किसने किया? तो बंगाल विभाजन सभा ने किया। नेक्स्ट, वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। राज्य व्यवस्था उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान है। संविधान की प्रारूप समिति सभा ने कब स्वीकृत? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन? गवर्नर
रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान था जम्मू कश्मीर में, वो अब बदल गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि समान संरक्षण किस देश से के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। इसमें दुर्गापुर इसका इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? दुर्गापुर इस्पात तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील रूस में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। नेक्स्ट मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? सर्वाधिक थोरियम केरल राज्य में निकाला जाता है। न्यूमूर आइलैंड कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। चीड़, फॉर, स्प्रू तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वन में उगते हैं। केरल की साइलेंट वैली किस योजना का वास्तविक स्थान है? तो परमाणु ऊर्जा परियोजना का वास्तविक स्थान है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो बाकू। भारतीय अर्थव्यवस्था ट्राइसेम क्या है? तो ग्रामीण युवकों को रोजगार स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम है। प्रशिक्षण ट्राइसेम ग्रामीण युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण करने का संस्था है। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। उसके बाद में मोडवेट योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोहरे करों से मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन है। भारत में लीड बैंक योजना का प्रारंभ की गई है? तो 1969 में की गई है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो हॉट करेंसी कहलाती है। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR किस रूप में होती है? तो बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। नेक्स्ट, उसके बाद सामान्य विज्ञान देखेंगे। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो हेमोग्लोबिन है। लाल रक्त का कारण है हेमोग्लोबिन। मलेरिया रोग कैसे फैलने वाला मच्छर है? एनोफजील मच्छर। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से प्रभावित होता है? तो अग्नाशय से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। उसके बाद प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज़। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। DDT का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? तो DDT टेटनस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कॉफ से बचाव कराता है। नेक्स्ट, व्यस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड। व्यस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय 0.8 सेकंड। मछलियाँ में श्वसन हेतु अंग होता है तो क्लोम, यानी उसको गिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए उन्हें क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन B1 का एक अन्य नाम है तो थियामिन है। विटामिन B1 का एक अन्य नाम है थियामिन है। इसके बाद खेलकूद से देखेंगे, ब्रायन लारा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? फुटबॉल की 90 मिनट होती है।
मंदबुद्धि के लोगों के लिए जुलाई 1995 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू हुवेन। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी का कमस्की किस देश के हैं? तो गाटा कमस्की अमेरिका के हैं। विश्व कप फुटबॉल, ये तो क्वेश्चन। इसके बाद में मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद्र को, मेजर ध्यानचंद को। क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध ईडन गार्डन कोलकाता में। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को। मिताक्षरा का संबंध किसे है? हिंदू विधि से है। कश्मीर में स्थित मार्तंड मंडल का निर्माण किसने कराया? तो ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद से है? तो बांसुरी वाद से है। उसके बाद लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती गणित से संबंधित है। मानविनी भाई नामक पुस्तक के लेखक हैं पन्नालाल पटेल है। कौन सा मुगल सम्राट बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब था। औरंगजेब बीड़ा बजाता था। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संगीता है। भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की? तो 1953 ईस्वी में की। बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे? तो कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं। प्रसिद्ध मिताक्षरा मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है। मिताक्षरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल को। मिताक्षरा मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में है। चलिए, योग सूत्र किसकी रचना है? तो पतंजलि की है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के वक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां होती है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पद्नीर आश्रम किस राज्य में स्थित है? पद्नीर आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, माथखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। राग देश किस प्रहर का है? तो रात्रि के द्वितीय पहर का है राग देश। चलिए, अमीर खुसरो ने किस वाद्यंत्र का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की है। एम एफ हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित है। अशोक अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसप को। जातकों में क्या वर्णित है? महात्मा गांधी के पूर्व जन्म की कथाएँ। एस बालचंदन किस वाद से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो तमिल साहित्य में की गई है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक विवाद के लिए अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध वादक थे। तो मृदगम के आदर मृदगम थे। हुमायूं नामक किसकी है? तो गुलबदन बेगम। इब्राहिम राजा नाम से प्रसिद्ध इमारत किस स्थापत्य कला की शैली में है? तो बीजापुर की शैली। इब्राहिम रौजा बीजापुर की शैली है। किस शैली से है? तो बीजापुर की शैली है। चलिए, इसके बाद हम दूसरा सार संग्रह देखेंगे जो कि अगस्त 1919 का है। चलिए, इसमें है भारतीय इतिहास और संस्कृति देखेंगे। चलिए, ऋग्वेद में दसवीं शब्द किसके लिए आता है? तो अनायो के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में लिखा गया। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंदावर का युद्ध किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। उसके बाद परमार वंश की राजधानी थी तो धार में थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने करवाया। तो हकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो अलबेरूनी ने की। दीवाने कोही की स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया? तो मोहम्मद तुगलक ने किया। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, जफरनामा। औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने पत्र लिखे, उसे जफरनामा के रूप में विख्यात कर दिया गया। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का
प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में पारित हुआ। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ कहाँ पे? तो पंजाब में हुआ, अहमदिया आंदोलन पंजाब में हुआ। तरुण शास्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कोलकाता में की गई। तेभागा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, तेभागा बंगाल में हुआ था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर अंग्रेजों का चरित्र निरूपण किसने किया? स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर अंग्रेजों का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक एशियाटिक है तो विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने। भगत सिंह नेता थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। चलिए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावित हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति दे दे? तो 6 माह। 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 52वें के 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22। लोक लेखा समिति में 22 होते हैं। पंजाब राज विषय है राज्य सूची की सॉरी पंचायती राज राज्य सूची की विषय है पंचायती राज राज्य सूची की विषय है उसके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष अंतःस्थापित किया गया? तो 1976 में। संविधान मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया 1976 में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है। एलमिस्टी पेरू में स्थित है। सेरा जो किस राज्य की राजधानी है? तो बोस्निया और हजी गोबिना की राजधानी है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो फ्रांस का नैन्सी औद्योगिक नगर है फ्रांस का। क्यूरोसियो कैसी गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात नाओमी कैंपबेल ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो मॉडलिंग में प्राप्त की। उसके बाद बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के बीच नियामक प्राधिकरण IRA के अध्यक्ष कौन है? तो एन रंगाचूरी। भारत के बीच नियामक प्राधिकरण IRA के अध्यक्ष कौन है? तो एन रंगाचूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ क्राइम एंड करप्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन के सिंह पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं। पॉलिटिक्स ऑफ क्राइम एंड करप्शन। चलिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? चमेली देवी को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हदीस क्या है? पैगंबर के पवित्र प्रवचनों का संग्रह। पैगंबर जो होते थे उसके उनके पवित्र प्रवचन जो होता है उनका संग्रह हुआ करता था। ज्ञानपुर पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड किस साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार हैं? कन्नड़ साहित्य के। गिरीश कर्नाड किस साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार हैं? तो कन्नड़ साहित्य के हैं।
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं खुशवंत सिंह। उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया? तो मुगलसराय। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। चलिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की ध्वनि बनाने वाले कौन थे? पंडित रविशंकर, पंडित कालजवी ध्वनि, सारे जहाँ से अच्छा जो धुन बजता है ना उसकी पंडित रविशंकर महाराज ने इसका धुन बनाया था। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरस्वती ज्योतिर्मय पीठ का असली शंकराचार्य किसे घोषित किया गया? स्वरूपानंद सरस्वती को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरस्वती ज्योतिपीठ का असली शंकराचार्य किसे? तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को चुना गया। द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? तो आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे। द टनल ऑफ टाइम आर के लक्ष्मण है। उसके बाद सल्फा क्या है? तो सरेंडर्ड ULFA है। सल्फा क्या है तो सरेंडर्ड ULFA है। पिछले दिनों चर्चित ट्रायल क्या होता है? तो ट्रायल क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। राजासांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। राजासांसी हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। रूल योर सेंस रूल द वर्ल्ड शब्दों के साथ कौन विज्ञापन प्रकाशित करवाता था? तो आईवा कराता है। रूल योर सेंस रूल्स द वर्ल्ड शब्दों के साथ कौन विज्ञापन प्रकाशित करवाता आईवा। इसके बाद है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजीत भट्टाचार्य। नेक्स्ट, बीबी जागीर कौर को किसका नया अध्यक्ष बनाया गया? सॉरी, ये भी क्वेश्चन करेंट है। मैड्रिक द मैसिजियन और पेंटम लोकप्रिय कामिक चरित्रों के जनक कौन थे? तो लियोन दी फॉक। आसमा जहांगीर कौन है पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता। उसके बाद है बटर देन द बेस्ट किसका विज्ञापन सूत्र किसका है? तो सेंसुई का। बेटर देन द बेस्ट सेंसुई का जो टीवी आता था उसका बेटर देन द बेस्ट उसका विज्ञापन का सूत्र है। आपातकाल रक्षित श्यामी यह आश्वासन किसका है? तो साधारण बीमा कंपनी GIC का है। आपातकाल रक्षित श्यामी साधारण बीमा कंपनी का है। बिलीव इन द बेस्ट विज्ञापन का नारा है तो BPL का है। बिलीव इन द बेस्ट BPL का। बेटर देन बेस्ट सेंसुई का, आपातकाल रक्षित श्यामी साधारण बीमा कंपनी का, बिलीव इन द बेस्ट BPL का है। फिर उसके बाद फिलिप्स कंपनी का विज्ञापन है। लेट्स मेक थिंग्स बेटर। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सार संग्रह देखेंगे एक लास्ट, इसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में हम देखेंगे। चलिए, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि वैश्वानर तथा दिहेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आर्यों के पूर्व की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की को प्रस्तुत किया? इंद्र के लिए है। महरौली अभिलेख किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में, महरौली चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसका चित्रित धूसर मृद्भांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? तो उत्तर वैदिक काल से जोड़ा गया है। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। उसके बाद निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन
का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद तुगलक को माना जाता है विवादास्पद। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक शासक मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा? फकीर का वेस्टर्न चर्चिल ने महात्मा गांधी को फकीर कहा। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन ने शुरू किया। चलिए, ठीक उसी समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा दी गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दी गई। नेक्स्ट, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपरा डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। उसके बाद है, मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कॉमनवेल्थ अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना। कॉमनवेल्थ अवार्ड का मतलब था दलित वर्ग को हिंदुओं द्वारा पृथक करना। नेक्स्ट, 16 अगस्त 1946 को किसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन होने अध्यक्ष होने का सम्मान किसे जाता है? तो जॉर्ज ह्यूल को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल। चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन को सर्वप्रथम किस योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की जनता में निवास करती है। संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट, भारत के आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो प्रस्तावना में वर्णन किया है। आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? प्रस्तावना में किया गया है। संविधान सभा प्रथम बार कब समवेत हुए? संविधान सभा प्रथम बार कब समवेत हुए? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दादा भाई नरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय जे बी कृपलानी जी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो केसी हियर का है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक ज़्यादा है तो केसी हियर का है। संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों को वर्तमान में संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत एवं विश्व का भूगोल बोरिंग जल डमरूमध किन देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को अलग करता है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ब्राज़ील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारत की दंडकावन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। दंडकावन परियोजना आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत का केंद्रीय तम्बाकू शोध संस्थान कहाँ है? कि तम्बाकू हैदराबाद राजमुंद्री में है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान के बीच विवाद का कारण है। कौन से शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस नाम से भी जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हम घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। पाक जल डमरूमत किन दो देशों को भारत और श्रीलंका को अलग करता है? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई फिलीपींस में स्थित है, मनीला शहर में, मनीला के फिलीपींस में।
उसके बियरर बॉन्ड स्कीम, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो काले धन की निकासी, काले धन की निकासी बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य है। उसके बाद BCCI क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। BCCI क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है, तो मौद्रिक नीति से संबंधित है। ब्याज दर मौद्रिक नीति से संबंधित है, ब्याज दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 1952 में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद 52, विकास 52, विकास 52। चलिए, मुंबई शेयर बाज़ार का डॉलर मूल्य में नया शेयर सूचकांक क्या है, मुंबई शेयर बाज़ार का डॉलर मूल्य में नया शेयर तो डॉलेक्स है। डॉलर मूल्य में नया शेयर सूचकांक क्या है, तो डॉलेक्स है, डॉलेक्स है, डॉलेक्स है। चलिए, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI को 1991 में किस कारण बंद कर देना पड़ा, तो घोटाले एवं व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगने के कारण BCCI को बंद कर देना पड़ा है। कब बंद की बंद हुआ, तो 1991 में। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स यानी BCCI बैंकिंग से है, इसको घोटाले एवं व्यापक भ्रष्टाचार के कारण 1991 में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है, तो वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। शेयर बाजार में अल्फा सेक्टर का मतलब होता है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता मापन करती है, उसे क्या करते हैं शेयर, उसे अल्फा फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूँ की फसल के लिए है। नेक्स्ट, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, तो INTUC सदस्य संख्या के आधार पर, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन INTUC है। सामान्य विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है, सुक्रोज है। उसके बाद में कुकिंग गैस का मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। किस खनिज को बेवकूफों का सोना, फॉल्स गोल्ड कहते हैं, तो पायराइट को बेवकूफों का सोना कहते हैं। उसके बाद एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है, तो बुखार कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप में क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में हाइपो जो होता है ना, वो सोडियम थायोसल्फेट है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। उसके बाद जार्विक सेवन क्या है, तो कृत्रिम हृदय है, जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है। उसके बाद में हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है, अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी होता है, अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यानी मेंटल डिस्क्रिमिनेंस उसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेत्रदान में रोगी के आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है, तो कॉर्निया का। उसका पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से, तो नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, उसके बाद खेलकूद से हम क्वेश्चन देखेंगे, मोनिका सेलस किस खेल से सुविख्यात खिलाड़ी हुई है, मोनिका सेलस टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तथा 1980 में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक कुमार किसके पुत्र थे, तो मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं अशोक कुमार। 1980 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया। नेक्स्ट है, भारत की वो कौन सी पहली खिलाड़ी है जिन्होंने ट्रायथलोन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 बार स्वर्ण पदक जीती, तो सी अमूधा ने जीती। अभिजीत कुंदे किस खेल से प्रमुख रूप से संबंधित है, शतरंज से। अभिजीत कुंदे शतरंज से संबंधित है। ओलंपिक के इतिहास में हेप्टाथलॉन में लगातार दो वर्ष स्वर्ण पदक जीतने वाली जय, ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको हम करेंट में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है, आधुनिक ओलंपिक तो 1896 से मानी जाती है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, अटलांटा अमेरिका में हुआ था। उसके बाद छठवा विश्व कप विजेता कौन था, तो श्रीलंका, छठा विश्व कप विजेता श्रीलंका था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का नाम क्या था, प्रेसिडेंशियल कप था।
ग्रांट फ्लावर एवं एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर और एंडी फ्लावर नामक दो सगे भाई किस देश के क्रिकेट टीम से खेलते थे? जिम्बाब्वे के क्रिकेट, ग्रांट फ्लावर और एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे की टीम से खेलते थे। उसके बाद हम विविध देखेंगे। विविध में कह रहा है कि एविक विथ गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं लुई फिशर। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुमार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। कमाल अतातुर्क किस देश के निर्माता कहे जाते हैं? वह उस देश के तानाशाह राष्ट्रपति भी रहे, तो टर्की के, कमाल अतातुर्क टर्की के। देश का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ कॉलेज, सबसे पहले लॉ यूनिवर्सिटी चेन्नई में हुआ। परम दस हज़ार क्या है? तो कंप्यूटर है, जो कि पुणे में एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, पुणे में परम 10,000। फिल्म निर्माता तथा अभिनेता एवं कन्नड़ नाटककार गिरीश कर्नाड को भारतीय साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से है, ये भी करंट के क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसकी रचना है? तो कवि प्रदीप की लगा ए मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप की रचना है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में पर लोग प्रदीप की रचना है। बाबा नागार्जुन संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। संपूर्ण जन क्रांति के प्रणेता और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। चलिए नेक्स्ट, मोटर कारों का उत्पादन करने वाली पहली प्रसिद्ध कंपनी हुंडई मूलतः किस देश की है? हुंडई दक्षिण कोरिया की कंपनी है। प्रवासी भारतीय स्वराज पॉल किस उद्योग समूह से संबंधित है? क्रैफो उद्योग समूह से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हाईटेक सिटी की स्थापना देश के किस नगर में की गई है? तो हैदराबाद में। सूचना औद्योगिक पार्क हाईटेक सिटी की स्थापना हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नीति निर्देशन सुझाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, चलिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए है? तो क्षय यानी टीबी के लिए BCG का टीका प्रसिद्ध है। उसका पंडित विश्वमोहन भट्ट द्वारा गौरीमा नाम के एक नए राग की रचना की गई है, यह किसे समर्पित है? प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी बेदी से संबंधित है। इसके बाद में किस इस्लामी देश ने 13 से 18 वर्ष की आयु के किशोरी को सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया है? तो ईरान ने 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु किशोरों को सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया है, तो ईरान ने। नारायण राव राणे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो महाराष्ट्र के नारायण राव। चलिए हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग। उसका मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मरने के बाद दिया गया। चर्चित पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक है वित्त मंत्री जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? तो माइकल कैम कौन है सॉरी ये भी क्वेश्चन अथी है क्या बोलते हैं करंट के क्वेश्चन है। चलिए यहीं पे हम वीडियो का स्टॉप करते हैं, ये मेरा लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया होगा। हाँ, तो यहीं पे हम सार संग्रह का इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, इसके बाद में फिर से हम दूसरा शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।